दोस्तों कल डिंपल यादव का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन को लेकर के लखनऊ से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सपा कार्यालय में डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया गया और बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। डिंपल यादव के जन्मदिन पर पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपको एक ताजा खबर ये बताने वाला हूँ जो कि सपा से रूठी हुई और किसी समय एक समय ऐसा था जब वो सपा के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों से भी नाराज थी अर्पणा यादव। डिंपल यादव ने मैनपुरी से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता उसके बाद उनके रुख थोड़े मुलायम पड़े हुए हैं, थोड़े नरम पड़े हुए हैं और जब कल डिंपल यादव का जन्मदिन था और उन्होंने जन्मदिन के मौके पर एक ट्वीट करके डिंपल यादव को हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें ये बोला कि आपको जन्मदिन की भाभी जी आपको जन्मदिन की बधाई, ऐसा करके उन्होंने एक साफ संकेत दिया है कि उनके पहले के जो तेवर थे वो अब नरम पड़ चुके हैं और वो सपा में वापसी चाहती हैं। जिस प्रकार से वो बीजेपी में गई थी उन्हें लगा था कि उन्हें वहाँ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें वहाँ उस प्रकार का रिस्पॉन्स और सम्मान मिलेगा, लेकिन बीजेपी में उन्हें ऐसा न पद मिला न सम्मान मिला। अब वो सपा में आने के लिए तैयार है लेकिन सपा पार्टी अभी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पारिवारिक नाते मिलना और बधाई देना ये चलता रहेगा लेकिन पार्टी के नाते अभी उनका सपा में वापसी होना लगभग नामुमकिन है।